और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया की 28 राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ रैली करने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आयोजित इस रैली को विपक्ष की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये किसी एक व्यक्ति या पार्टी केंद्रित रैली नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इंडिया के 28 दलों की रैली है। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। रैली का मकसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, विपक्ष के नेताओं पर केंद्र की एजेंसी की तरफ से हमले और विपक्ष की नेताओं की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज समेत तमाम दूसरे मसले रहने वाले हैं। आज दिल्ली में इंडिया की महारैली होने जा रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने जा रही इस रैली के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से दिग्गज दिल्ली में ही जुटने लगे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन ने महारैली का नारा दिया है, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। हालांकि विपक्षी एकता में ही फूट पड़ी हुई है। महाराष्ट्र और बिहार में गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बवाल थम ही नहीं रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि कैसे कामयाब होगी दिल्ली में विपक्ष की ये महारैली। दिल्ली में इंडिया का शक्ति प्रदर्शन। रामलीला मैदान में जुटेंगे दिग्गज लीडर। महारैली की शर्त कैसे निभाएगा इंडिया गठबंधन? केजरीवाल को फिर बचाएगा रामलीला? विपक्ष के दिग्गज दिल्ली में जुटने लगे हैं। झारखंड से, कश्मीर से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, पंजाब से नेता दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन मोर्चा खोलने जा रहा है। मोदी लहर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के 13 दल कमर कस चुके हैं। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन दिल्ली में जुटने जा रहा है। दिल्ली के उसी रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की महारैली होनी है। वो रामलीला मैदान जिससे एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी उससे निकली और अब उसी मैदान में उस आंदोलन की एक तरीके से लीड करने वाले अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो फिलहाल वो ईडी की गिरफ्त में है, कस्टडी में है। और ऐसे में अब इसी रामलीला मैदान में एक बड़ी महारैली आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो महागठबंधन की तमाम पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन जिसको हम कहते हैं, वो एक बड़ी महारैली यहाँ पर 31 मार्च यानी कल रविवार को यहाँ पर होने जा रही है। और इसको लेकर बाकायदा स्लोगन ये दिया गया है कि तानाशाही हटाओ देश बचाओ। और एक तरीके से इस रैली में ये कहा जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शामिल होंगे। आप तैयारियों पर अगर देखेंगे तो कुर्सी लग चुकी है, पंडाल यहाँ पर लग चुका है, स्टेज बनाने का काम पीछे चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करने की कवायद इंडिया गठबंधन की रहेगी। और इस रैली में कल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां पर आएंगी, इसके अलावा शरद पवार बड़े नेताओं में यहां पर मौजूद रहेंगे, यूपी से समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। तो देश भर के इंडिया गठबंधन के तमाम 13 से 14 दलों के बड़े शीर्ष नेता इंडिया गठबंधन के बैनर तले यहां पर रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे। जो मैदान इस देश की राजनीति के ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा, उस रामलीला मैदान को विपक्ष ने मोदी के खिलाफ चुनौती देने के लिए क्यों चुना है, इसे बताएं। इससे पहले जान लीजिए कि विपक्ष को पहले इस महारैली के आयोजन में बड़ी अड़चन आ रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की तरफ से इजाजत मिल चुकी है, मगर कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर एक एनओसी जारी की है, जिसके अनुसार इस रैली में 20,000 लोगों को जुटाने की ही अनुमति है। रामलीला मैदान में होने जा रही ये रैली सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस रैली के लिए आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता घर घर जाकर दिल्ली के लोगों को इस रैली में आने के लिए न्योता दे रहे हैं।
विपक्ष का दावा है कि लाखों लोग रामलीला मैदान में हुंकार भरेंगे, जबकि रैली की शर्तें तय। रामलीला मैदान में महारैली के जरिए इंडिया गठबंधन की कोशिश लोकसभा चुनाव प्रचार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की है। साथ ही एक कोशिश ये भी है कि बीजेपी को एक संदेश दिया जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एक बैनर तले लाकर कड़ी टक्कर दी जाएगी। जिसके लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही रैली में इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो रामलीला मैदान की महारैली में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, भगवंत मान, डेरेक ओब्राय, डीएमके, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर और जी देवराजन शामिल होंगे। महारैली के लिए एक नारा भी रखा गया है, जो तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ है। और इस महारैली के जरिए इंडी अलायंस के नेता एकता दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ये कहना है कि हमारा सीट शेयरिंग का नहीं बल्कि विचारधारा का ये गठबंधन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे ठगबंधन और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता दिया। जून से लेकर हम इंडिया जनबंधन के प्रयास में थे, खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी सब लगे हुए थे और सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एक तो नीतीश कुमार जी पलटी कर गए और दूसरे आरएलडी छोड़कर चला गया, पर आरएलडी तो असली आरएलडी नहीं था, जो असली आरएलडी है हमारे साथ। रामलीला मैदान में सभी पार्टियां मौजूद होंगी और लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ नारा को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया है, तो एकजुटता है, हम एकजुट हैं। हम ठीक है, एक दो पार्टियों के साथ हमारा सीट शेयरिंग फॉर्म समझौता नहीं हो पाया है, तो तृणमूल के साथ हम नहीं पाए, पर तृणमूल भी कल मौजूद होगी, तृणमूल तो इंडिया जनबंधन का एक अंग। देखिए बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन जिसका एक गठबंधन बना जहां पे कुछ राजनीतिक दल इकट्ठे होकर आए, उनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है या जेल में या बेल पर है, वो लोग इकट्ठे भी आए तो अपनी जान बचाने के लिए, एक दूसरे की पीठ खुजलाने के लिए और एक दूसरे के साथ वो भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर आए। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन्होंने भ्रष्टाचार क्यों किया, क्या जांच एजेंसियां जांच ना करें। अब इस महागठबंधन से पहले ही विरोधियों के चेहरे पर हवाइयां यहां पर उड़ गई हैं। गठबंधन में फूट की खबरें सुर्खियां बन गई हैं। दिल्ली में जुट रहे नेताओं में उमर अब्दुल्ला का मूड उखड़ा हुआ दिखाई दिया है। चुनाव का वक्त बहुत नजदीक आ चुका है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के अब तक चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है, या फिर यूं कहें कि अब तक सीट तय ही नहीं हो पाई है। इंडिया अलायंस के तरफ से दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। रामलीला मैदान की महारैली का ऐलान दिल्ली कांग्रेस ने किया था और इसको सफल बनाने की कमान पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो शामिल होंगे ही, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रैली में शामिल हो सकती है। कांग्रेस के संगठन महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल इस रैली को सफल बनाने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। उधर मेगा रैली के जरिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए हवा बनाने की पूरी जतन कर रही है। आप सूत्रों के मुताबिक महारैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी शामिल होंगी। रैली में सुनीता केजरीवाल पति के संदेश को पढ़ेंगी। रैली से पहले ही सुनीता केजरीवाल ने एक अभियान छेड़ दिया है। सुनीता केजरीवाल नियमित तौर पर ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रही हैं और साथ ही उनका संदेश जनता तक भी वीडियो के जरिए पहुंचा रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने अब तक 3 वीडियो जारी किए हैं, जिनमें सुनीता ने जनता से सीएम केजरीवाल के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। इसके साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर 8297324624 जारी कर अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद, जिसमें दिए गए नंबर पर आशीर्वाद, दुआएं और प्रार्थनाएं भेजने की अपील की गई है। सुनीता केजरीवाल ने ये भी बताया है कि आप समर्थक केजरीवाल के लिए व्रत रख रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने महारैली से पहले मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस तानाशाही के खिलाफ
लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है पूरे देश के अंदर, एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। देश भर से जो इंडिया गठबंधन के एलाइज पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेतृत्व रामलीला मैदान में कल आ रहे हैं। दिल्ली के लोग उनके साथ मिलकर के इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस रैली का है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, इसको लेकर के ये रैली की जा रही है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही स्थापित हो रही है, इसलिए इस रैली का जो मेन स्लोगन है तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। उधर जनता से आशीर्वाद मांग रहे केजरीवाल को मनोज तिवारी श्राप से बचने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली आशीर्वाद नहीं बल्कि दिल्ली इस समय श्राप दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जो जैसा किए हैं वैसा भर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दिल्ली का एक आदमी इनके समर्थन में सड़कों पे आने को तैयार नहीं। तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति कभी भी अगर उसकी तुलना कोई स्वतंत्रता सेनानी से करे तो स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा अपमान है। और अब दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने तंज कस दिया है। उन्होंने केजरीवाल के कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर चुटकी ली है। इंटरेस्टिंग है कि ये रैली कहां हो रही है। ये रैली वहीं हो रही है जहां पे मुझे लगता है आज से कोई 12-13 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी भाग ले रहे थे। जो ये अलायंस है जिसको आपने इंडी अलायंस बोला, मेरे कुछ जब हम लोग अपने आप में बात करते हैं हम इनको किसी और रूप में डिस्क्राइब करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहाँ पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी के कस्टडी में है उनको छोड़ा जाए और ये डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी खतरे में? कौन कह रहा है ये, इनसे पूछिए। भारत के इतिहास में 1947 जब हमने एक आज़ाद देश का रूप लिया उस समय डेमोक्रेसी को खतरा सिर्फ एक समय आया था, कब? जब कांग्रेस की सरकार ने जून 1975 में सिविल लिबर्टीज को खत्म करके इमरजेंसी लगाई। अब एक तरफ जहां इंडिया में एकता दिखाने और मोदी से टकराने का दम भरा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में रार भी छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बुरी तरह से फंस गया है। कई बैठकों के बाद भी कई सीटें ऐसी हैं जहां से हर कोई लड़ने का दावा कर रहा है। महाराष्ट्र की 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी के दूसरे साथी उद्धव गुट और शरद पवार गुट के सामने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि आला कमान का फैसला है कि कांग्रेस 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेगी। जिस तरह से हमारे महाविकास अघाड़ी के दल शिवसेना ने या पवार साहब की राष्ट्रवादी ने जिस तरह से हठधर्मी दिखाई है और उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के महाराष्ट्र के सभी नेता नाराज हैं। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारी परंपरागत सीट है चाहे वो सांगली हो, भिवंडी हो, उत्तर मध्य मुंबई हो, उत्तर पश्चिम हो, ऐसी जो 5-6 सीटें हमारी हैं उन सीटों पर हम लोग क्यों ना फ्रेंडली फाइट करें, दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ें। जैसे कि पंजाब में केजरीवाल जी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में हमारा उनके साथ गठबंधन है, पंजाब में 1 सीट में गठबंधन है, बाकी सीटों पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो हम मुंबई और महाराष्ट्र में भी फ्रेंडली फाइट करने की हमारी तैयारी है। और ये सोच और ये फैसला दिल्ली हाईकमान को, आला कमान को बता दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट करने के फैसले पर शिवसेना भड़क गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में फ्रेंडली करती है तो उसे उत्तर प्रदेश और बिहार में शिवसेना की फ्रेंडली फाइट का सामना करना पड़ेगा। मग उत्तर प्रदेश, बिहार,
सीट शेयरिंग के मसले पर विपक्षी गठबंधन में अनबन नई बात नहीं है। इसी अंदरूनी झगड़े की मिसाल देकर बीजेपी इंडिया गठबंधन की चुनौती को सिरे से नकार देती है। दिल्ली की महारैली को भी बीजेपी नेता बहुत तवज्जो देने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी आपस में कई राज्यों में इनके एडजस्टमेंट सीटों के नहीं हुए हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो कांग्रेस के लिए कोई संभावना अब बची नहीं है और पूरी कांग्रेस पलायन कर चुकी है। विपक्ष की महारैली कितनी असरदार साबित होगी, क्या नतीजे मिलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस रामलीला मैदान में ये आयोजन हो रहा है उसका इतिहास भी जान लीजिए। दिसंबर 1952 में रामलीला मैदान में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया था। इससे सरकार हिल गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1956 और 57 में मैदान में विशाल जनसभाएं की। जयप्रकाश नारायण ने इसी रामलीला मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा देकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पंक्तियां सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा यहीं गूंजा था। 28 फरवरी 1961 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने रामलीला मैदान में ही एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। 26 जनवरी 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने एक कार्यक्रम पेश किया। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसी मैदान पर एक विशाल जनसभा में जय जवान जय किसान का नारा एक बार फिर दोहराया था। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण और पाकिस्तान से युद्ध जीतने का जश्न मनाने के लिए इसी मैदान में एक बड़ी रैली की और वहां उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला था। अरविंद केजरीवाल के सियासी सफर में रामलीला मैदान का अहम योगदान है। उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन से लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ तक ले रखी है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी मुश्किलों से उबरने के लिए रामलीला मैदान में हुंकार भरने जा रही है। और इधर